आज आपके लिए स्नेक प्लांट लेकर आई हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये पूरे स्नेक प्लांट के प्लांट्स हैं। ये देखिए, ये हमारे एक्चुअली अपार्टमेंट के गार्डन में आए हुए प्लांट्स हैं। और उसी जगह पे ये देखिए, ये जो प्लांट है ये मैंने मेरे गार्डन में गमले में लगाया हुआ प्लांट है। तो फ्रेंड्स, इसका बॉटनिकल नेम है सेंटिवेरिया ब्लैक गोल्ड। और इसमें अलग अलग टाइप्स भी आते हैं, जैसे कि फ्यूचुरा रोबस्टा है, ब्लैक गोल्ड है, ऐसे अलग टाइप के पौधे आते हैं इसमें। फ्रेंड्स, ये बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है। आप अगर इसे एक बार लगा दो और फिर इसकी तरफ कुछ भी ध्यान नहीं दिया तो भी ये प्लांट बहुत अच्छे से आता है। और इसे एयर प्यूरीफायर प्लांट भी बोला जाता है। ये जो प्लांट है ये एक सकुलेंट टाइप का प्लांट है। आप देख सकते हैं इसके जो पत्ते हैं, इसमें पानी रहता है फ्रेंड्स, तो इसलिए सकुलेंट टाइप में आता है। इस प्लांट के लिए इनडायरेक्ट सनलाइट में लगाया तो ये बहुत अच्छे से आ जाता है। जहाँ पे भी आपका शेडेड एरिया है वहाँ पे इसे आप लगा सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि वहाँ पे ब्राइटनेस होना चाहिए। इसे डायरेक्ट सनलाइट की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बस जहाँ पे भी ब्राइटनेस है ऐसे शेडेड एरिया में आप इसे लगा सकते हैं। जैसे इस गार्डन में यहाँ पे जो प्लांट लगाए हुए हैं यहाँ पे भी धूप ज़्यादा नहीं आती है, बस यहाँ पे पूरे बिल्डिंग की छाव होती है, इसीलिए इस जगह पे स्नेक प्लांट्स लगाए हुए हैं। अगर इस प्लांट को हम शेडेड एरिया में लगाते हैं तो इसका जो पत्तों का कलर है वो बहुत अच्छे से खिल के आता है। पर उसी जगह पे अगर आप इसे धूप में लगाओगे या फिर कई जगह पे जैसे धूप आती है तो इसकी वजह से इसके जो पत्ते हैं वो इस तरह से जल सकते हैं। तो बस इसलिए इस प्लांट को इतना ध्यान रखना है कि हमें धूप में नहीं लगाना है, शेडेड एरिया में लगाना है। और उसी जगह पे जो मेरा ये प्लांट है जो मैंने अपने बालकनी में लगाया हुआ है, तो इसे आप देख सकते हैं, इसे मैंने पूरी तरह से शेड में रखा है, किसी भी तरह की इसके ऊपर धूप नहीं आती। तो इसके पत्ते देखिए, एक भी पत्ता इसका ख़राब नहीं हुआ है। तो इसके लिए यही इम्पोर्टेंट थिंग है कि आप इसे शेडेड एरिया में लगाए रखें। अगर इसके सॉइल की बात करें तो ये प्लांट किसी भी टाइप के सॉइल में आ जाता है फ्रेंड्स। पर अगर आप इसे गमले में लगा रहे हो तो इसके लिए वेल ड्रेन सॉइल में ही लगाना है, क्योंकि ओवर वाटरिंग भी इस प्लांट के लिए अच्छी नहीं है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, ये एक सकुलेंट प्लांट है तो इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपकी मिट्टी का ऊपर का लेयर ड्राई होगा तो ही आप इस प्लांट के लिए पानी दीजिएगा। जब भी हम गमले में लगाते हैं प्लांट कोई भी, तो इतना याद रखना है हमें कि इसकी जो मिट्टी है इसे हमें पूरी तरह से नहीं भरना है गमले में। जब भी हम गमले में मिट्टी डालेंगे तो 1 से 1.5 इंच तक जगह खाली रखनी है। तो इससे क्या होगा फ्रेंड्स, जब हम इसमें पानी डालेंगे तो ये पूरा पॉट भर के हमें पानी डालना है, तो ये धीरे धीरे नीचे जाएगा और पूरे पॉट के अंदर ये पानी चला जाएगा। अगर हम पूरी तरह ऊपर मिट्टी रखेंगे इसकी तो हमें पानी डालने में ज़्यादा जगह नहीं मिलेंगी, तो ये जो पानी है वो आधे पॉट तक ही जा सकता है। इसलिए हमें जब भी कोई भी प्लांट हम गमले में लगाते हैं तो इतना ध्यान रखें कि मिट्टी पूरी तरह से प्लांट में ना भरे, उसे थोड़ी 1 से 1.5 इंच तक जगह बनाई रखे हमें। और ताकि हम गमले में वेल ड्रेन सॉइल लगाते हैं, वेल ड्रेन सॉइल डालते हैं, तो इसकी वजह से जो भी हमने पानी ऊपर भरा हुआ पूरे भरकर डाला है तो वो अच्छे से ड्रेन हो जाएगा नीचे से, तो इसलिए इसमें पानी जमा नहीं रहेगा। अगर हमारा गमला जो भी पॉट है वो वेल ड्रेन नहीं होगा, नीचे से इसके होल्स नहीं होंगे अच्छी तरह से, तो अगर इसमें तो फिर इसमें पानी जमा रहेगा, उससे इस प्लांट के रूट्स गल सकते हैं। तो ये तो है इसके वाटरिंग के बारे में। जो भी ये जो स्नेक प्लांट है इसका समर में ग्रोइंग पीरियड होता है। समर के सीज़न में ये प्लांट्स बहुत अच्छे से आते हैं, और विंटर का पीरियड जो होता है वो इसका डोरमेंट पीरियड होता है। तो हमें विंटर में इसे ज़्यादा पानी नहीं देना है, क्योंकि विंटर में ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर होता है, तो उससे ही ये अपने पानी की ज़रूरत को पूरा कर लेता है। तो अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र्स के बारे में। हम इसे मंथली एक बार वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं, या फिर कोई भी 20 दिन में जैसे कि लिक्विड कंपोस्ट है वो भी हम इसे दे सकते हैं। जनरली इस प्लांट में फ्रेंड्स किसी भी तरह का इंसेक्ट्स का अटैक नहीं होता है। और अभी हम इसके प्रोपोगेशन के बारे में बात करते हैं।
ये जो प्लांट है ये बहुत आसानी से अपने आप ही मल्टीप्लाई होता है, और फिर अगर हम इसे अलग अलग गमलों में लगाना चाहते हैं तो इन्हें सेपरेट करके लगा सकते हैं। जैसे कि स्प्रिंग का सीज़न है, इस सीज़न में अगर हम कोई भी जो भी हमारा कोई भी प्लांट है उसे सेपरेट करके हमें डिवाइड करके लगाना है तो ये सीज़न बहुत अच्छा सीज़न रहता है, क्योंकि इसमें इसकी ग्रोथ बहुत फास्ट होती है। या फिर इसके जो लीव्स होते हैं फ्रेंड्स, इसको भी हम कट करके ज़मीन में लगा सकते हैं। जब भी हम इसे कट करके ज़मीन में लगाएंगे तो भी ये बहुत अच्छे से रूटिंग करता है और बहुत अच्छे से आता है, बस इसको ग्रोथ होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और अगर इसकी लीव्स को हम पानी में डालकर रखें तो भी इसके रूट्स बहुत अच्छे से आते हैं। एक 7 से 8 दिन में इसके रूट्स आ जाते हैं फ्रेंड्स, और फिर जब इसकी रूटिंग हो जाएगी कम्प्लीटली तो फिर हम इसे किसी भी गमले में या फिर नीचे ज़मीन में भी लगा सकते हैं। तो इसी तरह बहुत आसानी से इस प्लांट का प्रोपोगेशन हो जाता है। तो फिर फ्रेंड्स, ये सब तो है मेरे स्नेक प्लांट के बारे में। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाने का मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, जब तक के लिए डोंट बी मीन, जस्ट गो ग्रीन। बाय बाय।